Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer Book 7 by Brain Root series. And here is your book and the name is Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 1 and the name is The Number System. Yes. You may have learned about number system in mathematics. Mathematics में आपने number system के बारे में पढ़ा होगा. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे computer में पढ़ेंगे. What is the number system? So what all things are included in this chapter? In this chapter, you will learn binary number system. Binary number system क्या होता है? Decimal number system क्या होता है? कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल नंबर, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है एंड डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ कन्वर्जन वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट इट. बिफोर वी बिगिन व्हाट यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी दैट इज गिवन इन योर बुक. तो आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को करना है. सो चिल्ड्रन आप देख सकते हो आपके सामने एक लॉक बना हुआ है. लॉक में कुछ कोड डले हुए हैं, 3 क्वेश्चन मार्क के साइन है. आपको इस लॉक को ओपन करना है, इस ताले को खोलना है और उसको खोलने के लिए आपको इनमें से कुछ कोड्स हैं जो यूज करने हैं. कैन यू ओपन द लॉक यूजिंग दीज को क्लूज. यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं, लेट्स रीड देम. 682 पहला कोड है. 682 वन डिजिट इज राइट एंड वन एंड इन इट्स प्लेस. तो पहला डिजिट जो है राइट में है और अपनी जगह पे है. नेक्स्ट है 614 वन डिजिट इज राइट बट इन द रॉन्ग प्लेस. एक डिजिट सही है लेकिन वो गलत जगह पे है. टू डिजिट्स आर राइट. दो डिजिट सही हैं बट बोथ आर इन द रॉन्ग प्लेसेस. दो डिजिट इसमें सही है लेकिन दोनों की जगह गलत है. नेक्स्ट ऑल डिजिट्स आर रॉन्ग. यहाँ पे 738 में सारे डिजिट्स गलत हैं, इनमें से एक भी डिजिट नहीं आएगा हमारे लॉक को ओपन करने के लिए. नेक्स्ट इज वन डिजिट इज राइट बट इन द रॉन्ग प्लेस. अब यहाँ पे एक डिजिट जो है राइट है लेकिन उसकी जगह गलत है, तो वो नंबर 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. लेकिन आपसे कहा जा रहा है ऊपर वाले में ऑल डिजिट्स आर रॉन्ग, तो इसका मतलब 3 तो आना ही नहीं है, 8 भी नहीं आएगा. और कहीं 8 है, यहाँ पे भी 8 है तो ये भी नहीं आएगा. 738 में जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे इस लॉक को ओपन करने के लिए. सो जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं, वन डिजिट इज राइट बट इन द रॉन्ग प्लेस, तो एक नंबर 0 हो जाएगा. अब जो है टू डिजिट्स आर राइट बट बोथ आर इन द रॉन्ग प्लेस, तो 0 यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा और फर्स्ट में भी नहीं आएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड. इस पजल को आपको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू ओपन दिस लॉक. सो डू इट योरसेल्फ चिल्ड्रन. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द कंप्यूटर यूजेस सेट्स ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज. कंप्यूटर क्या करता है, अलग अलग वैल्यूज को यूज करता है अलग अलग क्वांटिटीज को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए. सच सेट्स ऑफ वैल्यूज इंक्लूड नंबर्स. ये जो सेट्स हैं इसमें नंबर्स आते हैं 0 से 9, अल्फाबेट्स आते हैं ए टू जी कैपिटल एंड ए टू जी स्मॉल एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं. तो जब आप अपने कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पे नंबर्स दिखेंगे, अल्फाबेट्स दिखेंगे और आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिखेंगे जैसे स्टार साइन, एस्टरिस्क साइन, एट द रेट साइन.
So we can say that a set of values used to represent different quantities is called number system. एक set of values जिसे use किया जाता है अलग अलग quantities को represent करने के लिए उन्हें ही हम number system कहते हैं. The number system is divided into four categories. Number system को four categories में divide किया जाता है and these are the first one, binary number system. Second is decimal number system. Third is octal number system. And the fourth one is hexadecimal number system. तो ये four number systems में divide किया गया है. Now let's move on to extra bytes. Gottfried Wilhelm Leibniz, a German mathematician, is credited with the invention of binary number system. तो binary number system किसने invent किया था? Gottfried Wilhelm Leibniz ने इसे introduce किया था, invent किया था. Now let's learn the first one, which is binary number system. क्या है binary number system? The binary number system consists of digits 0 to 1. So 0 and 1. ये जो binary number system है, इसमें दो ही numbers आते हैं, एक 0 तो दूसरा 1 आता है. The digits 0 and 1 are known as binary digits. इन्हें binary digits या फिर bits कहा जाता है. Since this system has two digits, क्योंकि ये जो system है, इसमें दो ही digits हैं, तो it has base 2. तो यहाँ इसका जो base है, वो क्या है? 2. तो हमेशा 2 को बेस लेके यहाँ पे चलना है. This number system is used by all digital computers to convert the data input by you into its binary equivalent. ये जो number system है, इसे use किया जाता है जितने भी digital computers हैं उनमें क्या करने के लिए, data को convert करने के लिए binary equivalence में. तो चिल्ड्रेन, आपको पता होगा कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं जानता. हमें हिंदी आती है, हमें इंग्लिश आती, मद्रासी आती है, मराठी आती है, बंगाली आती, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ अपनी लैंग्वेज को जानता है. और वो क्या करता है, जो भी हम कमांड उसे देते हैं उसको वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है, उसके आंसर को ढूंढता है एंड देन हमारी लैंग्वेज में वापस कन्वर्ट करके हमें वो देता है. तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम. Now, some of the examples of the binary number system are this and this. 1100 base 2 and 111101 at the base 2. So, computer ki ye language hai, is language mein hi computer samajh paata hai. Jo bhi cheez hum likhte hain, wo is language mein convert karta hai aur phir usse wo samajhta hai. So, this is computer's language. Now, next extra byte is the base or radix of the number system is the number of digits used in it. अब base क्या होता है, किसी भी number का कितने digits है उसमें, उसके हिसाब से base बनाया जाता है. Means यहाँ पे 0 और 1 use हो रहा है तो 2 base है. जहाँ पे 3 base use हो रहे हैं वहाँ पे 3 number is the base. ऐसे 4 use हो रहे हैं तो 4 is the base. The base of the number is written as subscript. जो base होता है number को उसे subscript जैसे लिखा जाता है, means हमेशा उस number के नीचे side में लिखा जाता है. Decimal number system. अब हम पढ़ते हैं decimal number system क्या है. The number system that we use in our daily life, day to day life, is the decimal number system. तो decimal number system को हम अपनी life में daily use करते हैं. The decimal number system consists of digits of 10 digits, means 0 to 9. तो 0 to 9 जो numbers है वो सब decimal number system के अंदर आते हैं. Since this system uses 10 digits, it's the base, it has the base 10. क्योंकि यहाँ पे decimal number system में 10 digits use हो रहे हैं 0 से लेके 9 तक, तो यहाँ पे जो base है वो है 10. Some of the examples of the decimal number system are 903 base 10, 14 base 10, etc. तो जब भी हम decimal number system के कोई भी question को solve करेंगे, हमें base 10 लेके चलना है. Similarly, binary system में base को 2 लेना है. Now, conversion of decimal into binary number system. अब हमें पता चल गया है binary number system क्या है, decimal number system क्या है. अब हमें convert करना आना चाहिए कि कैसे हम
जो है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन 903 बेस 10 दिया है, उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखेंगे। टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम फॉलो दी स्टेप्स। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, ये जो डेसिमल नंबर है उसे 2 से डिवाइड करते हैं। राइट द रिमाइंडर ऑन द राइट साइड एंड डिवाइड द क्वेश्चन अगेन बाय 2, तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसे साइड में लिख दें राइट साइड में और फिर से उस क्वेश्चन को डिवाइड करें 2 से। रिपीट स्टेप 2 टिल द क्वेश्चन इज 0, तब तक आपको इस नंबर को रिपीट करना है, डिवाइड करते जाना जब तक क्वेश्चन 0 ना आ जाए। ऑलवेज राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर, रिमाइंडर को हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखें, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ, और फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू फॉर्म बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ द डेसिमल नंबर। सो ऐसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है। सपोज 83 बेस 10 है, मींस ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्टेड है। अभी से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या आंसर आएगा, हमने क्या किया 83 को 2 से डिवाइड किया तो 41 आया। जैसे हम एक HCF लेते हैं वैसे हमें करना है, तो यहाँ पे 1 जो है क्या आया, लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू आया। कैसे, 2 4 8 एंड 2 1 2, क्या बचा 1 बचा, तो 1 को हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली फिर से 2 से हम डिवाइड करेंगे 1 आया, 2 से 10 को डिवाइड किया 0 आया, 2 से 5 को डिवाइड किया 0 क्या आया, नाउ 2 से 5 को डिवाइड किया तो 1 आया, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 0 आया। ठीक है, तो ऐसे ये जो नंबर्स आए हैं इन्हें ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। अब ये नंबर आया है तो इसे हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 0 लिखेंगे एंड देन 1 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस नंबर को हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। देयरफॉर दिस इज द आंसर, इस 83 को हमने जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो ये इसका आंसर आएगा। सो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। अनदर एग्जांपल इज हियर इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। 762 को हमें जो है क्या करना है, इसको जो है हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब 2 से मैंने इस नंबर को डिवाइड किया तो आया 2 3 6, 1 रिमेनिंग, 2 8 16, ना 2 1 2, 0 आया यहाँ पे। अगेन मैंने जब 2 से इस नंबर को 381 को डिवाइड किया तो 2 1 2, 1 रिमेनिंग, 2 9 18, ना 2 0 1 इज रिमेनिंग, सो हियर वी हैव रिटन 1। सिमिलरली अब 190 को हमने डिवाइड किया तो 2 9 18, देन 1 रिमेनिंग, 2 5 10, 0 आया। सिमिलरली 95 को डिवाइड किया तो 2 4 8, 1 रिमेनिंग, 2 7 14, 1 बचा, तो वही हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली हमने इस पूरे को डिवाइड किया एंड दिस इज द नंबर, ये नंबर है तो हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 लगाना है, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 0। सो चिल्ड्रन हियर यू हैव टू डू दिस करेक्शन, यहाँ पे 0 लगाना है हमें। तो अब हमने क्या किया, इसे हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो ऐसे ही हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल किसी भी नंबर को बाइनरी में। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल, कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, फॉलो दी स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए, उन्हें फॉलो करना है। पहला है मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विथ इट्स प्रोपोर्शनल वैल्यू, हर एक बाइनरी नंबर को उसके प्रोपोर्शनल वैल्यू से आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। सो आप देख सकते हो विच इज द टर्म ऑफ पावर 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर सब पे है,
तो हमने क्या किया, 1 0 0 1 1 मीन्स हमने ऑपोजिट साइड में इसको लिख दिया है. पहले हमने 1 लिखा, फिर 0 0 1 1. क्लियर? अब हमने क्या किया, 2 की पावर लगा दी. ये 1 0 प्लेस पे है, ये जो 0 है ये 1 प्लेस पे है, नेक्स्ट 2 प्लेस पे है, नेक्स्ट नंबर 3 प्लेस पे, नेक्स्ट नंबर 4 प्लेस पे. तो उस अकॉर्डिंग हमने पावर इस पे लगा दी. अब 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया, 2 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, मीन्स 1. नेक्स्ट 2 को 1 टाइम्स किया तो ये आएगा 2, एंड 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0. नेक्स्ट 2 को 2 टाइम्स किया तो 4, 0 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 0. नेक्स्ट 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे 8 आंसर आया. ना 1 मल्टीप्लाई 8 इज 8. सिमिलरली 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16. तो यहाँ पे अब 16 आंसर आया, तो 1 16 ज़ा 16. तो ये क्या हुआ, हमने लिखा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 16. इन सबको हमें ऐड कर देना है. ऐड करने के बाद नंबर आता है 25. अब जो है 25 20 10 लिख देंगे. सो दिस इज आर डेसिमल नंबर. हमने क्या किया, एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में ऐसे कन्वर्ट किया. तो जो पहला नंबर है उसे 0 की पावर देनी है, फिर 1 2 3 4 5 तक की पावर देनी है. क्लियर चिल्ड्रन? तो ऐसे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल. अनदर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, लेट्स वॉच इट केयरफुली. यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 1010. अब हमने 1010 को वैसे ही लिख दिया जैसे लिखा हुआ था क्वेश्चन में. अब लास्ट डिजिट से शुरू करेंगे, 0 की पावर 2, 0 हो जाएगी. अगेन 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 1 हो जाएगा. फिर 0 की पावर हो जाएगी 0 मल्टीप्लाई 2 एंड देन 2 टाइम्स, अगेन 2 इज 3 टाइम्स, 2 इज 4 टाइम्स एंड 2 इज 5 टाइम्स हियर. अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 0. नाउ इट विल बी 2. Now 2 2 ज़ा 4 एंड 4 0 ज़ा 0, अगेन 0, अगेन 0. अब 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 32. तो 32 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 32. अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है. तो 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 32, तो आंसर क्या आ जाएगा, 34. सो 34 टू द पावर आप 10, बेस क्या लगा सकते हैं 10, तो 34 बेस 10 इज योर आंसर. सो हाउ व्हेन वी विल कन्वर्ट दिस नंबर, इट विल बी 34 बेस 10. सो चिल्ड्रन हियर यू कैन सी 34 बेस 10 इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑक्टल नंबर सिस्टम. अब ऑक्टल नंबर क्या सिस्टम है, हमने जब बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा जिसमें 0 और 1 यूज़ होता है, फिर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा जिसमें 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स इंक्लूडेड रहते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम. द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स. ये जो ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 7 तक. मीन्स 0 से 7 हमारे 8 डिजिट्स हो जाएंगे. सिंस दिस सिस्टम यूजेस 8 डिजिट्स, इट हैज अ बेस 8. क्योंकि यहाँ पे 8 डिजिट्स यूज हो रहे हैं तो इसका बेस 8 रहेगा. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम आर 436 बेस 8, 730 बेस 8, 14 बेस 8. तो ये कुछ एग्जांपल्स है. अब नाउ लेट्स रीड How to convert decimal to octal? Decimal numbers को octal में कैसे convert करना है? To convert the decimal number system into octal number system, follow these steps. तो पहले क्या करना है, divide the decimal number by 8. वो जो भी decimal number उसे 8 से divide करें, write the remainder on the right side
एंड डिवाइड द क्वेश्चन अगेन बाय 8 और फिर से दोबारा से उस नंबर को 8 से डिवाइड करते जाना है. रिपीट स्टेप 2 टिल द क्वेश्चन इज 0. तब तक इस स्टेप को रिपीट करना है जब तक क्वेश्चन 0 ना आ जाए. ऑलवेज राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू फॉर्म और फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू फॉर्म ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर. सो जैसे कि हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्जन किया था ना डेसिमल टू बाइनरी, वैसे ही हमें यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल भी करना है. बस वहाँ पे 2 हमारा बेस था, यहाँ पे 8 हमारा बेस रहेगा. तो एग्जांपल चिल्ड्रन आपके सामने दिया गया है. एक क्वेश्चन है 7488 बेस 10. अब आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया 8 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, मींस एचसीएफ निकालेंगे. तो 8 से जब हमने इस नंबर का एचसीएफ निकाला, आंसर आया 936, रिमाइंडर क्या बचा 0. अगेन 8 से जब इसका जो हमने एचसीएफ निकाला तो रिमाइंडर आया 0. 8 से अब 117 का जब हमने एचसीएफ निकाला तो रिमाइंडर आया 5. अगेन 8 से जब हमने 14 का हमने निकाला रिमाइंडर तो रिमाइंडर आया 6. सिमिलरली अगेन हमने 1 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1. अब हमें फिर से इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो 1 पहले लिखेंगे, फिर 6, 5, 0, 0. ऐसे हमें इस नंबर को लिखना है और ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम में. क्लियर चिल्ड्रन? Now you can see another example is here. 642 को हमें कन्वर्ट करना ऑक्टल नंबर सिस्टम में. सो 642 को हमने 8 से डिवाइड किया, तब तक डिवाइड किया जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए. तो डिवाइड करने पे वी गेट 1202 टू द बेस 8. क्लियर चिल्ड्रन? तो ऐसे हमें क्या करना है, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट इज कन्वर्शन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल. तो अभी हमने डिवाइड किया था, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल में किया था. टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच ऑक्टल नंबर विथ इट्स पोजिशनल वैल्यू. उसको उस नंबर को उसकी पोजिशनल वैल्यू से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद द पावर ऑफ 8. इंक्रीज द पावर ऑफ 8 1 by 1, एक एक करके पावर 8 की बढ़ाती जाने हैं. 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3. ना सम अप ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर. अब सारे प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 228 एक ऑक्टल नंबर दिया है, अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया 228 लिखा. अब जो है 8 की वैल्यू हमने लिख दी 0, 2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी पावर 1, और यहाँ पे जो अगेन 2 है उसमें 8 की पावर 2 कर दी. अब हमने 8 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर आया. नाउ 8 वन ज़ा 8, 8 की पावर 1 है. अब 8 टू ज़ा 16, 8 की पावर 2 है तो 8 8 ज़ा 64, 64 मल्टीप्लाई 2 इज़ 128. नाउ अब हमने 8, 16 और 128 को प्लस किया तो आंसर आया 152. नाउ अब हमने 152 को क्या लिख दिया, टू द पावर मींस टू द बेस 10. तो ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट. अनदर एग्जांपल इज गिवन हियर 7014, ऑक्टल नंबर में इसे डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है. तो अब हमने क्या किया, सेम चीज़ की 8 टू द पावर 0, 1 8 टू द पावर 1, 0 8 टू द पावर 2 एंड 7 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 3. अब 8 0 ज़ा हमने किया तो 0 मींस 1 यहाँ पे लिख दिया. 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4, 8 की वैल्यू 1 टाइम्स है तो 8 1 ज़ा 8 आ गया. नाउ 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा. एंड अगेन 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 512 आंसर आ रहा है. अब उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज आंसर. अब इस नंबर और इस चारों नंबरों को हमने प्लस कर दिया. प्लस करने के बाद आंसर आया 3596, जो कि अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है.
So this is how we have to children to convert from octal to decimal and decimal to octal. Next comes hexadecimal number system. हम पढ़ेंगे hexadecimal number system क्या है. The hexadecimal number system consists of 16 digits. तो octal decimal में है 8 digits. यहाँ hexadecimal में आपको मिलेंगे 16 digits. अब क्योंकि यहाँ पे 16 digits हैं 0 to 9 and A to F. तो 0 से 9 हमें लेना है और A से F तक लेना है. तो ये हो जाएंगे टोटल मिला के 16. सिंस दिस नंबर सिस्टम यूज 16 digits, तो इसका जो बेस होगा वो 16 होगा. वे A stands for 10, B for 11, C for 12, D for 13, E for 14, F for 15. Some examples of hexadecimal number system are ACD 2 the base 16, A14 to the base 16, 986 to the base 16 and so on. तो ये सारे जो है hexadecimal में converted हैं. Now let's learn about conversion of decimal to hexadecimal. कैसे हम decimal को hexadecimal में convert करते हैं. To convert a decimal number system into hexadecimal number system, decimal number system को hexadecimal में convert करने के लिए हमें कुछ steps को follow करना है. Divide the decimal number by 16. Decimal number को 16 से divide करना है. Write the remainder on the right side and divide the quotient again by 16. Write the remainder in alphabetical form, that is 10 to 15 into A to F. अगर 10 0 to 9 आता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 से 15 के बीच में आ रहा तो उसे A to F के फॉर्म में हम लिखेंगे. Wherever needed. Repeat step till the quotient is 0. और इस step को तब तक repeat करना है जब तक quotient 0 ना आ जाए. Always write the remainder in reverse order. हमेशा remainder को reverse order में लिखना है. From bottom to top or from the most significant digits to the least significant digit to form a hexadecimal equivalent of the decimal number. Examples are here in front of you children. Let's learn how to do it. Here the number is, एक number दिया गया है decimal number system में, 9938 से हमें hexadecimal में convert करना है. तो क्या करेंगे हम, 9983 को 16 से डिवाइड किया तो 15 हमारा रिमाइंडर आया. अगेन 15 की वैल्यू है F. नाउ अब हमने 623 को हमने फिर से 16 से डिवाइड किया तो आंसर आया 15. 15 फिर से रिमाइंडर आया तो फिर से हमने इसे F अलॉट कर दिया. अब 16 को हमने 16 से हमने 38 को डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, जो कि 0 से 9 के रेंज में है. तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे. अगेन अब जो है 38 को हमने डिवाइड किया 16 से तो 2 6 आंसर आया एंड देन 2 आंसर आया. तो ये जो हमारा नंबर है वो हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे और वो हो जाएगा 26FF. सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. अनदर क्वेश्चन इज 317547. तो ये एक नंबर है, इसे फिर से हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 11 जो है हमारा रिमाइंडर है. नाउ इस नंबर को हमने डिवाइड किया 16 से तो 6 रिमाइंडर है. इस नंबर को डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर है. इसको डिवाइड करने पे 13 रिमाइंडर है एंड इसे डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर है. तो 13 की वैल्यू है D, तो हमने D अलॉट कर दी. 11 की वैल्यू है B, तो उसे हमने B अलॉट कर दिया. अब हमने इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो पहले आएगा 4D8B8 6B. तो ये है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे चिल्ड्रन. नाउ कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल. अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सेम मेथड हमें लगाना है जो हमने अभी तक पढ़ा था, उनकी वैल्यूज पुट करते जाना है. मल्टीप्लाई ईच हेक्साडेसिमल नंबर विद द पोजिशन वैल्यू. हर एक हेक्साडेसिमल नंबर को उसकी पोजिशन वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है.
which is in terms of power 16, जो कि 16 की पावर में है. Starting from the extreme right digit, write the alphabets A to F as 10 to 15. A to F के जो alphabets है उसे 10 to 15 लिखना है हमें. Increase the power 1 by 1 of 16. 16 की power धीरे धीरे करके हमें increase करनी है. Last में आपको plus कर देना है. We will get the decimal number. तो example है 1, 2, 5, 3 to the power, आप कह सकते हैं to the base 16. तो 1, 2, 5, 3 को हमने लिखा 3 multiply 16 to the power 0. अब जो यहाँ पे आ गया 1, तो 3 1 जा 3 हो गया. Now 5 multiply 16 to the power 1, तो 5 multiply 16 है 80. Now 2 multiply 16 to the power 2, तो 16 multiply 2 हो गया 16. 16 multiply 16 multiply 2, तो आ गया आंसर 512. सिमिलरली 1 बचा, तो 1 multiply 16 टू द पावर 3, मीन 16 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है. तो 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 एंड मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आया 4096. अब इन सारे नंबर्स को जो यहाँ पे आए हैं, इन सबको हमें प्लस कर देना है. तो प्लस करने पे नंबर आता है 4691. सो 1, 2, 5, 3 जो कि हेक्साडेसिमल में था, उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. Now children, another example is given here. 4D63 to the power 10, to the power इसे 16 कर दीजिए, to the base 16, and इसे हमें decimal में convert करना है. तो 4D63 base 16 है, तो अब 3 का देखेंगे position 16 multiply 0 times करेंगे, तो 1 आ गया, तो 3 answer आ गया. अब 16 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 6 16 96. नाउ डी मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 2. अब डी की वैल्यू क्या है, 13, तो 13 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, तो है 256. एंड अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 3328. सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 3, तो 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 4096. अब इसे 4 मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया 16384. अब इस 16384 को 3328 को 96 को और 3 को हमने प्लस किया, तो वी गेट 19811. अब क्योंकि हमें क्या करना है, इसे डेसिमल में, अब ये जो नंबर है ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है. तो क्वेश्चन था 4D36 टू द बेस 16, तो इसे हमें करना था कन्वर्ट डेसिमल में, तो डेसिमल में आंसर आता है 19811 टू द बेस 10. सो दिस इज योर आंसर. लाइक दिस यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. नाउ लेट्स रिवाइज वॉट एवर वी हैव लर्न हियर. द नंबर सिस्टम इज डिफाइंड इन टू 4 कैटेगरीज. These are binary number system, decimal number system, octal number system and hexadecimal number system. The binary number system consists of 0 and 1 called binary digits. Decimal number system consists of 0 to 9, 10 digits. Octal number system consists 0 to 7, 8 digits. And hexadecimal number system consists 0 to 9 and A to F, total 16 digits होते हैं इसमें. So this is all what we have learned in this chapter. Now let's move on to check yourself. This is your book exercise. So the first exercise is tick the correct option. Correct option को हमें tick करना है. So which number system consists 0 and 1? कौन सा number system है जिसमें ये दोनों आते हैं 0 और 1? So it is binary number system. Which number system has 10 as its base? 10 kiska base hai? Decimal number system ka. Which number system has 16 as its base? 16 kiska base hai? To wo hai hexadecimal ka. And which number system consists of 8 as a base? So 8 digits kis number system mein hai? Find out children and do it yourself. Now let's move on to fill in the blanks.
So children, the first question over here is, the base of the binary number system is 2. The base of dash number system is 8. So, kaun se number system ka base hai 8? It is octal. Third one, the dash number system is used by all digital computer. Kaun sa number system hai jo sare computers use karte hain? So, it is binary. Binary number system sare digital computers use karte hain. So similarly, the next two questions you have to do it yourself. Now let's move on to true or false. First question over here is, the number used in hexadecimal number system are 0 to 15. No, this is false. It is 0 to 9 and then A to F. The octal number system consists of 8 digits, 0 to 7. Jo octal number system has 8 digits hai? Yes, true. Rest two questions is a homework. Now let's move on to D part. And this is, answer the following questions. Explain the number system and name different types of number system. So children, the first question over here is, explain the number system, name different types of number system. So a number system is a set of values to represent different quantities. Now name the different types of number system. So the different types of number system are, first is binary number system, decimal number system, octal number system and hexadecimal number system. Now, second question is, briefly explain the binary number system. So, the binary number system is the number that is used by all digital computers. It has 2 as a base. It uses the number 0 and 1. So, 0 and 1 is used, and because there are 2 numbers, so it has 2 as its base. Now there are 2 more questions. Explain the hexadecimal number system. It has 16 as its base, and write a short note on octal number system, which has 8 as its base. So you have to do this question number 3 and 4 yourself. I hope children this is clear to you. And with this we have completed the chapter. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.